नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को सलाम किया। साथ ही ट्वीट कर कहा कि नारी शक्ति की उपलब्धियों पर उन्हें गर्व है। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल जिद्दी हो सकते हैं लेकिन हिंसात्मक कभी नहीं हो सकते। आपको बता दें, कुछ समय पहले ही केजरीवाल के आवास पर दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट करने का आरोप लगा था। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर लाहौर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल हाफिज सईद ने अपनी गिरफ्तारी की संभावना के चलते अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उसने दलील दी थी कि पाकिस्तान सरकार भारत और अमेरिका के चलते उस पर गिरफ्तारी का दबाव बना रही है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी विवादों में घिर गए हैं। उनकी पत्नी हसीन जहां ने उन पर उत्पीड़न से लेकर महिलाओं के साथ अवैध संबंध तक का आरोप लगाया है, लेकिन शमी ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। और अब बात करते हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड में अभी तक कई दिग्गजों की बायोपिक बन चुकी हैं और इस कड़ी में एक और नया नाम जुड़ चुका है। वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी की लाइफ पर जल्द ही बायोपिक बनने जा रही है, जिसमें उनका रोल एक्टर से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा करते नजर आएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही, और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।